हे एवरीवन, स्वागत है आपका स्टॉक एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। कल हमने आपको जो स्टॉक प्रोवाइड किए थे, बहुत ही शानदार स्टॉक निकली। आज सबके सब में हमें टारगेट देखने को मिला। तो मेक श्योर, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप रीचेक करने के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल हमने आपको जो स्टॉक प्रोवाइड किए थे वो कैसा परफॉर्म करे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक निकल के आए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो सीधा चलते हैं चार्ट्स पे। सबसे पहला स्टॉक हमने आपको दिया था विप्रो। 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आपको इसमें हमने एंट्री बताई थी 381.50 के लेवल के ऊपर। आप देख सकते हैं 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद टोटल ये साइडवेज रहा, इसमें कोई भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आपने हमारे लेवल के साथ काम किया होगा तो 381.50 हमारा लेवल था और सेम इसी लेवल पे आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिली थी। तो अगर आपने इस हैमर कैंडल पे ट्रेड करा होगा तो इसी के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनती, छोटा सा इसके लो का हमारा एसएल आता और इसमें भी हमें एक मोमेंट देखने को मिली। उसके अलावा पूरा दिन ये साइडवेज रहा, जो इसकी फर्स्ट मिनट 5 मिनट की कैंडल थी उसी कैंडल के अंदर ये साइडवेज होकर क्लोज हो गया। तो दूसरा स्टॉक हमने आपको दिया था भारती एयरटेल। बहुत ही शानदार मूवमेंट भारती एयरटेल में मिली, दोनों ही टारगेट सक्सेसफुली अचीव हुए, उसके बाद भी और हायर टारगेट हमें देखने को मिले। तो इसी तरह के स्टॉक आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल पे, तो मेक श्योर आप नोटिफिकेशन इसका ऑन रखिए तो आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। एंट्री इसमें हमने आपको बताई थी 854 के लेवल के ऊपर। टारगेट वन इसमें हमने आपको बताया था 860 का और टारगेट टू इसमें हमने आपको बताया था 865 का। अब आप देखिए, फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद इसने सीधा सीधा हमें टारगेट वन 860 का यहाँ पे अचीव कराया और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया और टारगेट टू जो 865 का था वो भी इसमें सक्सेसफुली अचीव हुआ। उसके बाद आज का हाई अगर इंट्राडे की बात करें हम तो 871.35 का ईजिली हमें इसमें हाई देखने को मिल गया, जो इसने दोबारा रिटेस्ट भी करा। तो आई होप आपने इसमें ट्रेड करी होगी और एटलीस्ट जो हमने आपको टारगेट बताए थे वहाँ तक तो आपने इसे बुक करा होगा। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट हुआ है तो मेक श्योर ड्रॉप ए कमेंट। थर्ड स्टॉक हमने आपको बताया था ITC। ITC में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी लेकिन इसमें सेलिंग मोमेंटम काफ़ी स्लो था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका चार्ट पोस्ट करा था कि ITC में काफ़ी स्लो मोमेंटम है। आप देख सकते हैं 5 मिनट की 920 की जो कैंडल थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी और हमारे लेवल जो 445 का लेवल था उसका इसने ब्रेकडाउन दिया। तो टारगेट वन इसमें हमारा था ऑलमोस्ट 443 का, लेकिन इसकी मोमेंट इतनी ज़्यादा स्लो थी कि ये लग नहीं रहा था कि इतना नीचे जा पाएगा और गेस व्हाट, वही हुआ। मैंने आपको अपडेट करा था कि इसमें टारगेट वन को ही आप अपना फाइनल टारगेट रखिएगा, उससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ ये मुझे नहीं दिख रहा है। और आप देखिए, इसने 920 की कैंडल से इसका ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद आप मूवमेंट देखिए, ये यहाँ से गया वापस ऊपर गया, इसने हमारे सेम लेवल को रिटेस्ट करा जहाँ से इसने ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद ये आप सेलिंग मोमेंटम देखिए, इतना जब वीक सेलर यहाँ पे एकदम छोटी छोटी मतलब 50-50 पैसे 25-25 पैसे की ये कैंडल्स बन रही हैं। सेलिंग मोमेंटम हमेशा फास्ट रहता है, इतना स्लो मोमेंटम नहीं रहता है सेलिंग मोमेंटम कभी भी। आप देखिए, इतनी छोटी छोटी कैंडल्स बनाता हुआ आया, इसको क्लोजली मैं वॉच कर रहा था, जैसे ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ मैंने इसको एग्जिट कर दिया और इसको मैंने एग्जिट कराया 11:10 की कैंडल पे। जैसे ही इसने 11:05 की कैंडल पे अ काइंड ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा हैमर बनाया इसने और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ मैंने इसको सेम नेक्स्ट कैंडल पे ही 11:10 पे एग्जिट कर दिया और इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करा था। आप देख सकते हैं वेरी स्लो मोमेंटम इन ITC, यहाँ पे मैंने लिख के पोस्ट करा है, कंसीडर टारगेट वन एज फाइनल टारगेट बिकॉज मोमेंटम इज़ वेरी स्लो, आई बुक माई ट्रेड एट 443.50 बिकॉज ऑफ स्लो मोमेंटम। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन के सामने भी आपको QR कोड फ्लैश हो रहा होगा। दोनों ही तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है ये। तो लास्ट स्टॉक हमने आपको दिया था JSW स्टील। JSW स्टील में आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने आपको एंट्री बताई थी 750 के लेवल के ऊपर। टारगेट वन इसमें हमने आपको दिया था 756 का और टारगेट टू इसमें हमने आपको बताया था 762 का। ये दो टारगेट आपको हमने बताए थे। अब आप देखिए, ये जो हमारा JSW स्टील है ये बिल्कुल हमारा फ्लैट खुला, 750 का लेवल इसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ब्रेक करा और सीधा एक सिंगल गो में इसमें हमें टारगेट वन अचीव हुआ 756 का। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पुल बैक आया। अब इस पुल बैक में आप चाहें तो मैंने आपको बताया है कि टारगेट वन बुक होने के बाद आप थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं।
तो आई होप या तो आपने 756 पे इसे बुक कर लिया होगा या फिर आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके इसमें निकल गए होंगे। लेकिन अगर आप इसको एंड तक होल्ड करे रहते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैली आई उस रैली में हमारा जो 762 का टारगेट 2 था इसमें, वो टारगेट भी यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हुआ और उसके ऊपर ही ये यहाँ पे गया है। इसका अगर हाई आप देखेंगे तो 765 का हाई है। तो दोनों ही टारगेट JSW स्टील में भी देखने को हमें मिल गए। और एक चीज़ इसमें सुबह सुबह ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि आज दो स्टॉक जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें न्यूज़ थी। पहला भारती एयरटेल में न्यूज़ थी और दूसरा JSW स्टील में न्यूज़ थी। तो ये बेनिफिट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इसी को पेड ग्रुप में चला के बेचते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कोई भी अपडेट होती है तो वो देखने को मिलती है। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्टॉक निकल के आए हैं। इनमें से अगर किसी में भी आपने ट्रेड कराया तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल के लिए जो पहला स्टॉक हमारे पास निकल के आया है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन से ये एक सिमिलर रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना है। तो कल काफ़ी हाई चांसेस है कि ये अपसाइड इस रेंज का ब्रेकआउट दे सकता है, तो इसलिए हमने इसको बाय साइड के लिए रखा है। कल अगर ये फ्लैट खुलता है और अपने रेजिस्टेंस एरिया को 396 को अपसाइड ब्रेक करता है तो कल इसे हम बाय कर सकते हैं 396 के ऊपर। SL इसमें हम रखेंगे 394 का, टारगेट 1 इसमें हमें मिलेगा 400 का और टारगेट 2 इसमें हमें मिलेगा 402 का। इस तरह के दो टारगेट आप इजीली देख सकते हैं इसमें। इन केस कल ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दिखा रखी है, जो दो बार ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और एक अच्छी रैली इसने बाउंस बैक दी है। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम इसने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया और एक अच्छी रैली आई, उसके बाद सेकंड टाइम आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और एक अच्छी रैली अपसाइड आई। तो कल भी अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कोई रिवर्सल पैटर्न पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं और एक रैली आपको 396 तक मिल सकती है। उसके बाद फर्दर टारगेट के लिए आप इसमें प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होकर ये नीचे लोअर लोज बना के नीचे जाने लगता है तो फिर इसे हम छोड़ देंगे, फिर इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा स्टॉक हमारे पास आया है बायोकॉन। 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। इसमें कल हम रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 पॉइंट का इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, 246 के लेकर 248, ये 2 पॉइंट का इसका काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस एरिया है और काफ़ी टाइम से सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। तो कल अगर ये फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमें मिलेगा। तो 246 से लेकर 248 तक यहाँ पर आपको वेट करना है कि कोई भी रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न हो गया, उसके बाद कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो गया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उस पैटर्न को देख के आप इसे सेल कर सकते हैं 246 से लेकर 248 तक। ध्यान दीजिए, अगर ये 248 के ऊपर निकल गया तो फिर इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिएगा। आप इसे सेल करेंगे या फिर स्विंग आई का SL रख के या फिर 1.5 पॉइंट्स का इसमें आप SL रखेंगे और नीचे के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट मिलेगा 242 का और दूसरा टारगेट इसमें मिलेगा 240 का। कल पर्सनली मैं इसे बाय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 246 से लेकर 248। तो अगर कल बाय की ट्रेड इसमें हमारी बाय की रैली मिस हो जाती है, सपोज करते हैं कि कल इसने बाय साइड ब्रेकआउट दे दिया, तो कोई बात नहीं, ये एक दिन में ठंडा नहीं होगा, एक दो दिन ये रैली देगा, उसके बाद हम इसे कैप्चर कर लेंगे। लेकिन कल काफ़ी हाई चांसेस है कि इसी लेवल से इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सेम लेवल पे जब भी ये जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल मिलता है। काफ़ी छोटे टारगेट्स हमने आपको दिए हैं 1:2 के, ईजिली हमें देखने को मिल जाएंगे। थर्ड स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है यूनाइटेड स्प्रिट। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं ये एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके लेवल मैं आपको बताता हूँ कि कल इसको आप कहाँ पे बाई कर सकते हैं। आप देखिए काफ़ी इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 910 से लेकर 908, ये 2 पॉइंट का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। पहली बार ये इसके ऊपर गया और एक पिन बार कैंडल बना के रिवर्स हो गया था। तो आप सेकेंड टाइम ये यहाँ पर गया और सक्सेसफुली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई और बुलिश कैंडल के अलावा ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कल इसको हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं। लेवल आपके सामने लिखे हुए हैं, एंट्री इसमें आपको करनी है 915 के लेवल के ऊपर। SL इसमें आप रखेंगे 5 पॉइंट का, टारगेट 1 इसमें आपको मिलेगा 920 का और टारगेट 2 इसमें आपको मिलेगा 925 का।
लेकिन एनी हाउ किसी भी तरह से अगर ये कल 908 के लेवल के नीचे आ जाता है, जो इसका एक सपोर्ट एरिया है, इस स्विंग के नीचे आ जाता है, तो फिर इसमें हम कोई भी बाई की ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि ये वापस ऊपर जा पाए। फिर ये नीचे लोअर लोस में आ जाएगा और सेलिंग साइड चला जाएगा। तो कल इसको हम बाई की साइड देख रहे हैं। आई होप आप बाई की साइड इसके देखिएगा, क्योंकि सेल साइड ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं मल्टीपल इसके सपोर्ट एरिया हैं, कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है, तो सेल साइड आपको इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो आज का लास्ट और फाइनल स्टॉक हमारे पास है UPL, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में, एक अच्छा फॉल आने के बाद एक वेज पैटर्न यहाँ पे बना, उस वेज पैटर्न का भी ब्रेकडाउन हुआ और तब मैंने आपको स्टॉक प्रोवाइड किया था समवेयर अराउंड यहाँ पे, और इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। उसके बाद अब ये होल्ड कर रहा है, तो कल काफ़ी हाई चांसेस है कि इसमें कल ब्रेकडाउन आ सकता है। तो लेवल इसके मैं आपको बता देता हूँ कि कल आप इसको कैसे प्लान कर सकते हैं। इसकी एक सपोर्ट एरिया है, छोटा सा सपोर्ट एरिया है 672 का। तो 672 के नीचे एक 5 मिनट की अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज होती है, तो 672 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हैं। SL इसमें आप रखेंगे 675 का, टारगेट 1 इसमें आपको मिलेगा 667 का और टारगेट 2 इसमें आपको मिलेगा 660 का, जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो टारगेट 2 तक इसको आ जाना चाहिए एटलीस्ट। तो इस तरह के दो टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं, इनकेस अगर कल ये बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या फ्लैट खुलने के बाद 680 जो इसका अपर रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद हम इसमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यही इसका रेंज है और यहीं से अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तभी इसमें सेल की अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो ये थे आज के स्टॉक जिसमें कल अच्छी मूवमेंट आने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। आई होप आपको सारे स्टॉक के लेवल अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जाने से पहले लाइक करके जरूर जाइएगा, और आपका कोई भी फीडबैक है हमारे चैनल को लेकर, हमारी वीडियोज़ को लेकर, तो मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको और अच्छी एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।